हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.14 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फिर से वही गिवन है ना। तो देखो ये है आपका डिमांड फंक्शन 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये है आपका सप्लाई फंक्शन 2x+1। क्लियर है यहां तक? ठीक है। डिटरमाइन करना है कंज्यूमर सरप्लस सेम लास्ट वन की तरह है ना, एट इक्विलिब्रियम प्राइस पर। तो मैं कह रहा हूं आपसे एट इक्विलिब्रियम प्राइस, इस प्राइस पर जो है आपका पीडी इक्वल्स टू पीएस होगा। अब पीडी मतलब 25 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर 2x0+1। ठीक है, आगे देखो इसको उधर भेजते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूँ है ना, पॉजिटिव की तरह, फिर पॉजिटिव का 2x0, ठीक है, और +1 यहीं पर है, और इक्वल्स में ये जो इस साइड 25 है मैं इस साइड लिख देता हूँ। एक ही बात है, इसमें आपको फॉर्मूला लग जाएगा a² + 2ab + b². क्या मैं x0 + 1 का होल स्क्वायर लिख दू? स्क्वायर हटा रूट लगा, यानी x0 + 1 = 5 बच गया, उधर जाएगा। x0 का वैल्यू कितना हो गया? 4। बताओ ये वाला चीज समझ में आ गया क्या? x0 का वैल्यू 4। क्लियर है? x0 = क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। अब आगे बढ़े, आ जाओ x0 = 4 है, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं किसके लिए? फॉर कंज्यूमर सरप्लस है ना। कंज्यूमर सरप्लस की अगर बात करें, सबसे पहले पी नॉट निकालेंगे इसका। कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड वाले का यूज होगा। 25 माइनस एक्स की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 4, 4 जा 16, कितना बच गया? 9। अब आ जाओ सी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से लेके x0, ठीक है, पी डॉट डी एक्स माइनस x0 × p0, ठीक है, 0 से लेके x0 का वैल्यू कितना हो गया? 4। P का वैल्यू कितना है आपके पास? वापस उठा के रखो, P का वैल्यू ये रहा माइनस x0 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 4 × p0 का मतलब है 9। 25x होगा माइनस x³/3 होगा, 4 से 0 हो गया 36। पुट करो 25 4 टाइम माइनस 4³/3 माइनस 36। यहां तक समझ में आया सबको? 25 4 से 100 हो गया, एलसीएम लिया तो 300 माइनस 4³, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस इस साइड भी ले लो 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और ये 10, 1 0 8 अपॉन में 3 है। यानी आपको क्या करना है, 300 में से सब्ट्रैक्ट करना है 108 और ये 64, 8 4 12 6 1 7 172, ठीक है, 2 1 10 2 8 128 आ गया, सही है। 100 100 200 हो गया, 200 हो गया 70 80 90, सही है। तो एक सेकेंड, ये आया आपके पास कितना आ गया? 128/3, 3 4 12 हुआ है, 3 2 6 हुआ है, 20 जाएगा 0.36 18 हुआ है, और फिर 3 2 3 6 18 हो गया 20, फिर 3 6 18, तो आप इसको 42.67 कह सकते हो, मतलब राउंड ऑफ में, ठीक है। ये आपका सीएस है। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका कौन सा, प्रोड्यूसर सरप्लस। आ जाओ अब आते हैं अपन प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो आप चाहो तो आप यहां पर वैसे इतना भी छोड़ सकते हो ना, 128/3 ये भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इसके लिए सबसे पहले पी नॉट फाइंड करेंगे। एक्स नॉट कितना है हमारे पास? 4। तो पी नॉट का वैल्यू देखो 2 4 + 1 2 4 8 + 1 9, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? x0 × p0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x0, फिर पी डॉट डी एक्स। x0 का वैल्यू है 4, p0 का वैल्यू है 9, माइनस इंटीग्रेशन 0
पी नॉट का वैल्यू 4, पी का वैल्यू है इसमें 2x प्लस 1 आई एक्स, 36 माइनस 2x स्क्वायर पॉन 2 प्लस एक्स 4 से लेके 0, 36 माइनस 4 का स्क्वायर करो प्लस 4 करो माइनस, फिर तो 0 हो ही जाना है, 4 4 जा 16 प्लस 4, 36 माइनस 20, 36 कितना हो गया 16। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक, क्लियर है? तो ये 16 हो गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, और पीछे जो निकाला 128 बाय 3 दैट वन इज कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड।